गुजरा, जब उनको या तो स्टेट काबिना में वजीर ना बनाया गया या मरकज में वजीर ना बनाया गया। लेकिन ये क्यों कर था कि ये नेशनल हाईवे का तामीर का काम, ये सड़क का काम 2014 में जुगल जी के आने के बाद हुआ, और वो इसलिए कि ईमानदारी से इस खित्ते की जरूरियात को मरकज तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा कर सकता था, जो जुगल जी ने किया। और हम सब की खुशकिस्मत कि हमें सरबराही थी श्री नरेंद्र मोदी जी की। ठाकुर रणधीर सिंह जी कर रहे थे, फिर हमारा युवा साथी कर रहा था। उसका एक अहम पहलू ये है, और वो यकीन है अपनी अगली जोरदार तकरीर में वो ये बात भी शामिल करेगा, जमीन उनसे सवाल कर रहा है। एक नई तरह की तहजीब, एक नई तरह की संस्कृति को जन्म देने का काम मोदी जी ने किया है। जहां जिसकी जिसकी जरूरत है वहां तक पहुंचेगी, आखिरी कतार में खड़े आखिरी इंसान तक हम पहुंचेंगे, ये ना सोचेंगे कि उसने हमें वोट दिया कि ना दिया। और इसी तहजीब को आगे ले जाने के लिए ये हमारे लिए लाजिम है कि हमारी नुमाइंदगी ऐसी हो जो मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी हिदायतों के मुताबिक डबल इंजन बनकर के काला कोड की सेवा कर सके। एक इंजन मोदी जी का और दूसरा इंजन ठाकुर। अगर ऐसा ना हो तो कोई ऐसा इंजन लग जाए कि मोदी जी का इंजन आगे चले और पीछे घसीटने की कोशिश करे, तो हम फिर वही उसी हालात में पहुंच जाएंगे 60-70 साल जहां हम बड़ी मुश्किल से निकले। और इसलिए जिस तरह का ये समर्थन, ये हिमायत आज हम सब देख रहे हैं, ये यकीनी है कि ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बनकर के, आपके नुमाइंदे बनकर के भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो आपके मसाइल वहां तक पहुंचाएंगे। ये सड़कों की तामीर का जो सिलसिला शुरू होगा इसे जारी रखेंगे, और मोदी जी के द्वारा चल रही इस विकास यात्रा में काला कोट जो सरमाया उसे माला माल है। अभी ये बच्चा कह रहा था माइंस का मसला, ये हम ही लोगों ने बनाया, हमारी बिरादरी के सियासतदानों ने अपनी पार्टी की राजनीति की खातिर बनाया। अगर ये मसला ना होता तो काला कोट इतना लकीर इलाका होता, इतना इसमें से रेवेन्यू जनरेट होता, इसका नाम ना सिर्फ हिंदुस्तान, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान में होता। हमारे लिए उस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, उस कारवा का हिस्से बनने के लिए हमारे लिए एक संकेत का काम, तर्जुमानी का काम ठाकुर रणधीर सिंह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल के लिए झगड़ा करती है, कमल के लिए लड़ाई करती है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। और जब भी कोई चुनाव आता है तो सभी कार्यकर्ता चुनाव में उतर आते हैं। आपने देखा मोदी जी भी, चाहे असेंबली का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, खुद चुनाव में उतर आते हैं एहसास दिलवाने के लिए कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने साल गुजार करके जहां आए हैं तो इन्हें भी एहसास होगा कि क्या फर्क है पार्टी विद अ डिफरेंस, और आपको भी एहसास होगा ये मौके की पार्टी है। कार्यकर्ता को उसकी काबिलियत, उसकी प्रतिभा के मुताबिक मौका मिलता है, और इसीलिए आने वाले वक्त में हमारा मुस्तकबिल अगर महफूज है हमारे बच्चों का, हमारी अगली पीढ़ी का, तो भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि दूसरी पार्टियों में तो अपने परिवार ही नहीं खत्म होता। अपना बटन दबाए और कल हम हौसले के साथ मोदी जी को कह सके कि मोदी जी एक और सड़क बनानी है।